हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफडी वाले रुपी कार्ड की। अगर आप अपना सिविल स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, आपके लिए किसी बैंक में अनसिक्योर कार्ड नहीं मिलता है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रुपी कार्ड। इस वीडियो में हम रुपी कार्ड का पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि ये कार्ड कैसा है, इसके चार्जेस क्या रहते हैं, बेनिफिट क्या है, इस कार्ड से हमारा सिविल स्कोर कब तक बन जाएगा, किस प्रकार से कार्ड मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, रुपी कार्ड आपके लिए मिलता है एसबीएम बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। आप जानते होंगे 90% एफडी वाले कार्ड इसी बैंक से मिलते हैं हमारे लिए। रुपी कार्ड तो एक कंपनी है, यहां पर आप जो अपनी एफडी करते हैं या फिर जो भी सारा काम होता है वो आपका एसबीएम बैंक से होता है लगभग। अब मार्केट में एफडी वाले तो बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन रुपी कार्ड का मेन फोकस है सिविल स्कोर को बिल्ड करने में। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे या ऐप में जाएंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम फोकस करते हैं अपने कस्टमर का सिविल स्कोर इंक्रीज करने में, क्योंकि ये कार्ड सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए फेमस है। इस कंपनी का साफ साफ कहना है कि जो भी व्यक्ति रुपी कार्ड बनाता है और अपना एफडी करके कार्ड लेता है, उनका सिविल स्कोर अगर जीरो भी है तो हम विद इन 6 मंथ के अंदर उस कस्टमर का सिविल स्कोर 750 से ऊपर बनवा देते हैं, क्योंकि रुपी कार्ड टाइमली अपना रिपोर्ट सिविल ब्यूरो को सेंड करता है। तो टाइमली रिपोर्ट अपडेट करने के कारण अन एफडी वाले क्रेडिट कार्ड की तुलना में रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर बहुत जल्दी बन जाता है, ये इसका मेन कारण है। बाकी देखो, ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी इसका चार्जेस आपको पे नहीं करना है, ज्वाइनिंग फीस 0 है और एनुअल फीस भी 0 है। रुपी कार्ड लेने के लिए आपको यहां पर कम से कम 5,000 रुपए एफडी करना पड़ेगा, और जो भी यहां पर आप एफडी करते हैं अपना, इस पर आपके लिए 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, और ये एफडी आपकी होती है एसबीएम बैंक में। तो रुपी कार्ड में आपकी एफडी 100% सिक्योर है, क्योंकि आपकी एफडी एसबीएम बैंक में हो रही है और एसबीएम बैंक आरबीएस रजिस्टर्ड बैंक है। आपकी एफडी यहां पर लॉक नहीं रहती है, आप कभी भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एफडी बंद करना है तो आप एसबीएम बैंक को कॉल करेंगे, तो वहां से आपका कार्ड बंद हो जाएगा और आपका एफडी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड पर आपके लिए 45 डे का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है। आप 45 डे के अंदर अगर अपना बिल भर देते हैं तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की, तो इस कार्ड को बनाने के लिए आपकी एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, तो आपको यहां पर कार्ड आसानी से बन जाता है। अगर हम बात करें इस कार्ड के अप्लाई प्रोसेस की, किस प्रकार से इस कार्ड को बनाना होता है, तो इसके अप्लाई प्रोसेस पर मैंने अलग से डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, अभी भी वो वीडियो डाला हुआ है। बाकी मैं आपको इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां से इस कार्ड को बना सकते हैं। कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप यहां पर आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती है, आपका जैसे नाम क्या है, माता का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस वगैरह डालेंगे, आप पैन कार्ड नंबर देंगे, आधार कार्ड नंबर देंगे, 5 मिनट के अंदर आपका कार्ड यहां पर इशू हो जाएगा। इसके बाद 48 आवर्स के अंदर आपका डिजिटल कार्ड आपको ऐप के अंदर शो हो जाएगा, बाकी का फिजिकल कार्ड भी आपको विद इन 7 वर्किंग डे के अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं रुपी कार्ड के कुछ चार्जेस की, किसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं क्या, तो देखो वैसे तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, ज्वाइनिंग फीस 0 है और एनुअल फीस 0 है, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं कुछ चार्जेस की, तो अगर आपका रुपी कार्ड कभी खो जाता है और फिजिकल कार्ड आप ऑर्डर कराते हैं दोबारा, तो आपको यहां पर रिप्लेसमेंट का 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, बाकी फ्यूल सरचार्ज का आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। अगर अपने कार्ड को आप 12 मंथ से पहले बंद करते हैं तो 750 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, बाकी फाइनेंशियल चार्ज 30% पर एनम है। तो अगर अपने कार्ड को आप 12 मंथ के बाद बंद करते हैं तो कोई चार्जेस इसका वैसे फालतू नहीं है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, आप बना सकते हैं। देखिए बाकी एफडी वाले कार्ड की बात करूं तो उन पर आपको रिवार्ड पॉइंट अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस कार्ड को खास करके डिजाइन किया गया है सिविल स्कोर बिल्ड करने के लिए। तो अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है या फिर कम है तो आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है ये, आपका सिविल स्कोर अच्छे तरीके से बिल्ड कर देगा ये विद इन 6 मंथ के अंदर। तो आज ही अपना रुपी कार्ड बना लीजिएगा, मैंने इस कार्ड का अप्लाई लिंक आपको डाल दिया डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी जानकारी कैसे ली कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।